बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को क्यों अपनाया? उन्होंने हिंदू धर्म को गूढ़ता से पढ़ा, मुस्लिम धर्म को गूढ़ता से पढ़ा, क्रिश्चियन धर्म को भी अच्छी तरह से पढ़ा, लेकिन उन सब में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो रूढ़िवादिता है, अंधविश्वास है और एक भेड़ चाल है, उसका कोई मतलब महत्व नहीं है। लेकिन वास्तव में जो धर्म है हमारा बौद्ध धर्म, इसमें कोई रूढ़िवादिता या मतलब एक भेड़ चाल नहीं है, ये समरसता के भाव पर आधारित है। जहां तक बात ये धर्म को लेकर के क्यों ऐसा हुआ, हमारे अंदर आज की डेट में जब हम पैदा होते हैं, भले ही हम बौद्ध धर्म को मानते हैं पढ़ने के बाद, पहले तो नहीं मानते, लेकिन जन्म होता है तो छठी पूजी जाती है, स्टार्ट हमारे से होता है जो हिंदू धर्म के अंदर है, लेकिन क्या करें। दूसरा, सारे जीवन के अंदर जो रिवाज चलते रहते हैं वो हिंदू धर्म के हिसाब से चलते रहते हैं, और अंत में जब क्रियाकर्म होता है जो हम लोग सभी करते हैं, क्रीमेशन होता है, लेकिन वो भी तो हिंदू धर्म का एक पार्ट है, लेकिन क्रीमेशन जो है एक साइंटिफिक है, दूसरे धर्मों में ये अनसाइंटिफिक है, ये भी चीज सोचने की है, क्योंकि जो दफनाया जाता है तो एक अनसाइंटिफिक हो गया, एक बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी भी होती है, उनको लेना चाहिए। हमारे समाज के अंदर जो मनुवृत्ति मनुवादी हैं, उन्होंने चार धर्म, जैसे आप जानते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य थे जो आए थे आर्य से, लेकिन वास्तव में तो जो शूद्र कौन थे, शूद्र तो यही के मूल निवासी थे, जो राजा थे, जो शासन करते थे। जब तक शूद्रों का राज था तब तक बाहर के जो आने वाले थे, आक्रमणकारी थे, उनकी हिम्मत नहीं थी, ये मौर्य एम्पायर तक आप देख चुके। लेकिन दुर्भाग्यवश जब मौर्य एम्पायर खत्म हो गई और क्षत्रियों के पास में जो कहते हैं बड़े भुजा वाले बड़े बलशाली हैं, जितने भी हून शक और मुस्लिम्स वो आ गए और आकर के छोटे छोटे उन्होंने अपनी अपनी प्रिंसिपैलिटीज बना ली और रजवाड़े बना लिए, तो ये क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं है, भुजाधारी नहीं है, भुजाधारी तो आप थे जिनको अपनी सीमाओं जिन्होंने अपनी सीमाओं को पूरी तरह से सुरक्षित किया हुआ था और किसी को अंदर नहीं आने दिया था। लेकिन समय का ऐसा वो प्रकोप होता है कि हर चीज़ को जो चीज़ आई है जाना होता है। आपके मौर्य एम्पायर खत्म हुई, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जो हमारा, मैं आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं थोड़ा इतिहास की तरफ चला गया, गुप्ता वंश आया जो हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कभी आप देखेंगे तो वो जो उनको कहते हैं सो कॉल्ड स्वर्ण कास्ट के, वो जो ना सोने का था, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण, उसमें जातिवाद चरम सीमा पर था, रिच एंड पुअर की जो खाई थी वो भी ज़्यादा ही थी। आप लोगों के साथ में जो भी आप कुरीतियाँ देखने को मिलती हैं, पीछे झाड़ू है, पानी नहीं पीने देना होता है, शमशान हमारा अलग है, मरे होकर खान मांस खाना है या खाना साथ नहीं खा सकते हैं, समाज में विषमताएँ अलग अलग तरह के अंधविश्वास दुनिया भर के, तो वो सब चीज़ें इन्होंने एक्सट्रीम पर पहुँचा दी। इसका फ़ायदा लेकर के दूसरे लोग मोमडन्स पर आए, आकर के इन्होंने जो किया यहाँ पर इनको हराया और फिर अपना शासन किया। एक आजकल एक चल रहा है, दूसरा आप जानते हैं कि ये जो मुगल का एक बादशाह हुआ है औरंगजेब, औरंगजेब की एक रोड भी थी, वो भी इन्होंने हटा दिया, नाम हटा दिया। हमारे हिसाब से तो अशोका दी ग्रेट पूरे मौर्य एम्पायर का और मुगल
शासक औरंगजेब, ये इन्हीं की बदौलत दे आर दी पायनियर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का वास्तव में आज का नक्शा है इन दोनों की देन है। अशोका ने धर्म दर्पण को अपना करके, बौद्ध धर्म को अपना करके अपना विस्तार किया, और श्रीलंका इधर आपके नॉर्थ में जो है अब बमियां जगह इस वक्त अफगानिस्तान में, और ईस्ट में बर्मा तक, और साउथ तक सारा सारा उनका वह कहना है इंडिया पूरा पूरा धर्म के, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम किया और शांति का संदेश दिया था। हमें अब जो कुछ बातें ऐसी हैं, बाबा साहब ने इस विषमता को देखते हुए ये समानता का भाव लाने के लिए संविधान की रचना करी। अगर आप संविधान के प्रीएम्बल को देखें तो उसमें पहले ही सेंटेंस लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोमनी डिक्लेयर दैट जो डेमोक्रेटिक सोशल सोशलिस्टिक सोशल डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, जिसमें जस्टिस देंगे, लिबर्टी होगी, इक्वलिटी होगी और फ्रेटर्निटी होगी। ये चारों बातें बौद्ध धर्म की हैं बेसिकली, तो कि हमको आज की डेट में न्याय मिल रहा है, बता सकते हैं न्याय मिल रहा है? नहीं मिल रहा। पहला ही है जस्टिस का, दूसरा लिबर्टी का है। लिबर्टी हमको संविधान में तो मिल गई, क्या वास्तव में आज़ादी है? हमको अधिकार मिले हुए, अधिकारों का यूज कर पाते हैं? अगर अधिकार की बात करते हैं तो हमको दमन कर दिया जाता है, बोल भी नहीं पाते। इक्वलिटी, समानता, समानता का एक ऐसा अधिकार है जिसमें भाई सोचा था कि सब समान होंगे, लेकिन क्या हम समान हैं सभी जगह पर? आप ट्रेन में जा रहे हैं, बैठे हैं, कोने में भी किसी नहीं। अच्छा, कहाँ रहते हो? स्टार्ट होता है वहाँ से के नाम से और पहुँच जाते हैं बिल्कुल नीचे, ए, कौन से जिले से हो यहाँ के? अच्छा, वहाँ पर कौन से मोहल्ले में रहते, कौन से गांव के हो? गांव से मोहल्ले, मोहल्ले से हो ना जाते पर। अच्छा अच्छा, बैठे रहो, कोई बात नहीं, तो दुख की बात होती है। एक इसी संदर्भ में मैं बात कहना चाहूँगा, जो मद्रास हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था पल्लन कास्ट के बारे में, पल्लन कास्ट के बारे में। पल्लन कास्ट एक जाति है तमिलनाडु में और एक काली भी है तमिलनाडु में। हमारे यहाँ पर जमात जाति भी है और काली भी है, इसी तरह से बंगी, चूड़ा और कंजर, ये चार कास्ट हैं। ये चारों के चारों यहाँ काली भी है और जाति भी है। भाई आपने संविधान बना दिया है, बन गया है, इसको लागू करो। शेड्यूल पूरी शेड्यूल वन के अंदर सारी कास्ट एलिबोरेट कर दी गई है, तो इनको जो है ना उसी हिसाब से करिए कि हमको बजाय जाति का सर्टिफिकेट देने के, स्पेसिफिक जाति का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाए, आप सर्टिफिकेट दे दो शेड्यूल कास्ट का, क्योंकि जो किस कास्ट को बिलोंग करता है वो शेड्यूल के अंदर नोटिफाइड है या नहीं है, दैट इज टू बी लुक्ड इनटू बाय दी कंसर्न तहसीलदार और एसडीएम। वो बाद में देख करके यस सर्टिफिकेट ठीक इशू है, इससे कहीं तो कोई पर्दादारी हो नहीं होती है, उसको और फर्दर टिप में जाते हैं। हमको मौका मिला 2010 में कि ये पल्लन कास्ट जो मद्रास हाई कमीशन आया, तो हमने जिक्र किया कि ये जो हमारे यहाँ पर चार कास्ट है इनको ख़त्म किया जाए और एक दूसरी जो इसकी सब्सिडरी कास्ट है उनके सर्टिफिकेट दिए जाए। हमने कोशिश करी, जमात का सर्टिफिकेट आज की डेट में दिल्ली में जमात चोड़ा बारहवीं की और सॉरी जमात चोड़ा भंगी और कंजर, चार के सर्टिफिकेट इशू नहीं होते हैं। सीनियर डिसीजन गवर्नमेंट थी, हमने अपने जो मंत्री थे उस वक्त वालिया जी, उनसे कहा, कैबिनेट में पास हुआ। ये हम खुशी की बात है कि उन्होंने चारों कास्ट का सर्टिफिकेट आज के डेट में इशू होते हैं, उनसे जो सब्सिडी ये जाटव है वाल्मीकि है और कंजर का दूसरी के कास्ट है उनके सर्टिफिकेट इशू होते हैं। भाई हमें इससे भी आगे जाना है, क्यों हम सर्टिफिकेट कास्ट का लें? हमें शुरू का जब हमने नोटिफाई कर दिया तो एक नोटिफाइड कास्ट के हिसाब से आप जो सर्टिफिकेट दे दो हमको, नोटिफाइड शुरूकास्ट है, शुरूकास्ट है, ओके डन। जब आप ओबीसी दे रहे हैं, आप जनरल के दे रहे हैं, तो इसको इस हिसाब से कर दीजिए। जाति विषमता को आपको हटाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको लड़ना।
करना पड़ेगा, हमको भी लड़ना पड़ेगा, और जब तक हम लड़ नहीं पाएंगे तब तक ये बात नहीं बन पाएगी। जहां तक बात है, आपके बाबा साहब ने तीन मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा के भाव, शिक्षा का जो उनका मेन उद्देश्य था, कि जैसे मेरे पहले मंत्र ने उन्होंने भी बात की, सरकार ने एक ऐसा नियम बना दिया, चाहे पहली गवर्नमेंट थी आई गवर्नमेंट है, कि आठवीं तक कोई एग्जाम नहीं होगा। बच्चे के मन में भय होता है कि इनमें एग्जाम होगा तो मैं पास होगा, नहीं तो रह जाऊंगा, इसलिए मेहनत करता है। जब उसे पता है कि मैंने आठवीं तक पास होना, वैसे धक्का मार तो सही में हो जाऊंगा पास में, तो मेहनत क्यों करेगा वो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अंग्रेजों ने एक LDC के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं रख रखी थी, जिससे कि बाबू पैदा हो जाए। आपको मालूम है आठवीं क्लास पास स्टूडेंट क्या लग सकता है? चपरासी, चौकीदार, जो सफाई वाला, वो इससे अब नहीं जाएगा। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये शायद आप और हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये टू डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी थी कि हमको जो ना नीचे डाउन किया जाए, डाउनग्रेड किया जाए। बाबू लग जाता था ब्रिटिश पीरियड में, बाबू से UPC हो गया, हेडक्लर्क हो गया, आगे चला जाता था बेचारा। अब तो चपड़ा से आठवीं पास है, 10वीं कर नहीं पाएगा, बाबू नहीं पाएगा, चपड़ा से लगेगा, चपड़ा से डर जाएगा, सफाई कर्मचारी लगा जाएगा तो चपड़ा से मिल जाएगा। तो इन्होंने वो कर दिया कि हमारे को क्या एजुकेशन ले ही ना पाए। मोर देन 70% बच्चे हमारे फेल हो जाते हैं, दुख की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अब शायद आप गवर्नमेंट ने कर दिया कि 10वीं का एग्जाम होगा, इससे कुछ बेहतर लगेगा, लेकिन 8वीं का भी अभी क्या मैडम क्लास एग्जाम शुरू कर दिया, इस साल से कर रहे हैं। चलिए एक अच्छी बात है, बच्चे मेहनत करेंगे, कुछ पास होंगे, पेरेंट्स को भी कुछ जागरूकता आएगी कि भाई बच्चे को पढ़ाना है। दूसरा है जो संगठित रहो। अब चाहे जैसे अभी हमारे संचालक जी ने कहा कि आज तारीख 24 लगी हुई है, तो क्या हम घर में बैठ जाएं? तारीख 24 लगी हुई है, कुछ काम ना करें? हमको जो भी आह्वान हुआ है कि हमको आकर के सेमिनार अटेंड करने, तो हमको आना चाहिए था, नहीं आए, ये बड़ी दुख की बात है। एक एक करके भी आते, कई हजार अपने आदमी हैं चारों पांचों कोर्ट में, 100-100 भी आते हैं हर कोर्ट से, तो भी उनके में और भरा होता, हमारे अंदर चेतना खत्म हो चुकी है। ये संगठन दिखाता है, संगठन। एक ब्रिटेन के पास में एक आयरलैंड कंट्री है छोटा सा, वहां पर एक डैनियल ओ कॉनर, उसको कॉनेल बोल देते हैं, डैनियल ओ कॉनेल, उन्होंने उसको जो उसको डैनियल जी को कहते हैं कि लिबरेटर ऑफ आयरलैंड, लिबरेटर ऑफ आयरलैंड, उन्होंने सारे के सारे आयरिश पीपल को यूनाइटेड कर दिया था, और ब्रिटिश जो दमन था उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए थे। एक वक्त ऐसा आया, उन्होंने एक पॉलिसी चली कि जितने भी आदमी हैं आयरिश पीपल हैं, दे वर ट्रीटेड बैकवर्ड ब्रिटेन में, क्योंकि वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, तो उनको जो ना सेकेंड ग्रेड सिटीजन माना जाता था। उन्होंने एक चीज की कि जितने भी हम यूनाइटेड हैं, जहाँ पर इसमें आयरलैंड में रहते हैं, मिनिमम से मिनिमम जो आपकी कैपेसिटी है पर मंथ के हिसाब से आप डिपॉजिट करेंगे, इसके एक फंड बना दिया उन्होंने, और वो फंड ऐसा हुआ एक बार ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनसे लोन लेना पड़ा। ये होती है यूनिटी, ये होता है संगठन। हम मंदिर में जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाए, ये नहीं कि नहीं जाते जाते हैं, ऐसी बात नहीं, धर्म अपना रहे तो, लेकिन दूसरे जो हमारा समाज है 99% जो समाज है वो तो बाहर ही है ना, तो वो जाते हैं। किसी भी मंदिर जाने से पहले वो जाएंगे तो 10-15-20-50 रुपये जरूर डाल के आएंगे, जितने भी हमारे अम्बेडकर भवन या मतलब बौद्ध धर्म के हमारे मंदिर बने हुए हैं, उनसे ये पूछा जाए कितने मतलब आप मंदिर में गए और कितने रुपये दान पात्र में डाले। एक महीने के बाद में पता लगता है, दान पेटी खोलने के बाद में उस महीने में 100 रुपये निकल के आएंगे, आदमी आए थे 500 आके चले गए, श्रद्धा सुमन पर अर्पित करके, और जो है 100 रुपये मुश्किल से महीने में निकले, जबकि उसी कॉलोनी में 500-600 आदमी रहते हैं, एक एक रुपये अगर डालते होते हर महीने में जाकर के तो 500 रुपये आ जाते हैं।
हमें एक ऐसा कोर्स भी बनाना होगा जिससे हम अपने लोगों का उद्धार कर सकें, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको बताएं क्या कारण है, आपके आस पड़ोस में होंगे बच्चे पढ़ें, नहीं पढ़ने का फाइनेंशियल अगर उनका स्टेटस ठीक नहीं है तो एक कोर्स बना करके उसको जो है ना हेल्प की जाए, बच्चे को पढ़ाया जाए। संघर्ष करने की बात आती है, संघर्ष तो हमको करना पड़ेगा, संघर्ष ही करते आ रहे हैं हम हर चीज़ में जो होंगे, वह चाहे गांव के अंदर है चाहे शहर में, आज की डेट में भी हम संघर्ष कर रहे हैं। तो लेकिन ये चीज़ें जो है ना कब तक बंद होंगी, कब छूटेंगी? एक कीड़ा होता है, कभी सुना होगा आपने, पैरासाइट। पैरासाइट जो क्या है, ऐसा जीव है जो आपको नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देगा, और वो जो है घास की या जो मेम खाते हैं हरी घास, वो जो आपके पालक है, धनिया है या दूसरी वेजिटेबल्स हैं, उन पर बैठ जाता है, और वो पैरासाइट हमारे खाने के अंदर चला जाता पेट में। उसका जो मरने का ग्राफ है साइंटिफिकली, वो 100 डिग्री टेम्परेचर नीचे मरता ही नहीं है, अल्टीमेटली आपके अंतड़ियों में बैठ जाता है, लीवर में बैठ जाता है, या कई बार जो ना दिमाग में चला जाता है और आपको वो अंदर से खोखला कर देता है। हमारा जो समाज है, जो सो कॉल्ड मनुवादी है, इसमें अपर लेयर ब्राह्मण क्या काम करते हैं, कुछ नहीं। क्षत्रिय क्या काम करते हैं, रूल, कुछ नहीं। वैश्य क्या काम करते हैं, कुछ नहीं, इधर से माल लिया इधर बेच दिया। जितने भी साधु हैं मंदिरों में घूमते होते हैं, मंदिरों में बैठे हुए हैं, दे आर पैरासाइट्स ऑफ फॉर दी सोसाइटी, वो आपके ऊपर चल रहे हैं, ये आपको खा रहे हैं। जापान के अंदर एक वहाँ पर कन्फ्यूशन जो इथिक्स है उसके मुताबिक भी वहाँ पर चार ग्रुप थे, चार क्लासेस थी, जिनको कहते हैं समुराई, दूसरा एजेंट्स और तीसरा आर्टिजन, चौथा है चोनिन। जो समुराई थे उस कन्फ्यूशन ने कहा कि भाई या तो बसिंदा बन जाइए या चोनिन बन जाइए, चोनिंदो बन जाइए। चोनिंदो कौन है, जो चोनिन थे, चोनिन का मतलब है हमारे यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, चार ही कास्ट है ना, तो शूद्र जो वैश्य है वो जापान में चोनिन है, और उनको घृणा के दृष्टि से देखा जाता था। हमारे यहाँ पर घृणा के दृष्टि से कौन देखे जाते हैं, शूद्र। हम कौन मतलब है, वहाँ के जो बनिया ग्रुप था उससे भी बदतर पोजिशन में थे हम लोग। वहाँ रेवोल्यूशन आया, कास्ट का जो वो रेवोल्यूशन कास्ट में आया तो वो सब माफ़ हो, और आज की डेट में जापान जो है इंडस्ट्री में तो है ही है, लेकिन व्यापार में भी वर्ल्ड में नंबर वन पे चल रहा है। तो ये जब तक आप कास्ट बेस्ड सोसाइटी है ये ख़त्म नहीं होगी, कुछ नहीं हो पाएगा। बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया हमको, हम उन्हीं की बदौलत काम कर रहे हैं, लेकिन हम सोए हुए जग नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमको जगाना, समाज को जैसे कहा था बाबा साहब ने जगाना होगा, और रात को 12 बजे जगते थे और पूछा भी था जैसे कि क्यों जग रहे हो, फिर मेरे समाज सोया मैं जग रहा हूँ, आप लोग सो रहे हो क्योंकि आपके समाज जगा हुआ है। तो हमारा समाज तो अभी भी 70 साल बाद भी सोया हुआ है। आज़ाद देश में हम गुलाम हैं। हम एक तो मीटिंग थी कहीं पर, जब उसमें जो सारे जनरल कैटेगरी के थे, तो मेरे से पूछा भाई ये जो काम वाली आती हैं भाई, ये बड़ा गलत काम करती हैं, ये करती हैं दुनिया भर की, तो इल्ज़ाम जैसे होता है चोरी का या मतलब अलग अलग तरह के इल्ज़ाम होते हैं। तो एक लेडी थी, सॉरी मैं किसी को कटाक्ष नहीं किस तरह से, मीटिंग में बैठी थी और वो उसी ऑर्गेनाइजेशन की मेम्बर थी, एग्जीक्यूटिव मेम्बर। उन्होंने कहा मैडम आप जो बात कर रही हैं, मैं बड़ेघर से आता हूँ, त्रिलोकपुरी कल्याणपुरी पास में है, एक दिन किसी के घर जा करके, केवल एक दिन के लिए कह रहा हूँ, पूरी जिंदगी भर के लिए कह रहा हूँ, किसी के घर जा करके अननोन के आप जा करके बर्तन करिए, पोछा करिए, टॉयलेट साफ करिए, उसके बाद में फिर ना आप आ जाइए, अपना जो मेहताना लेके आ जाइए, मैं आपको मान जाऊँगा। कल मैं क्यों करूँगी, मैंने क्यों नहीं करूँगी, यही पैरासाइट है। पैरासाइट दूसरे पर जीवी होता है, दूसरे के ऊपर जीवित रहता है। तो ये हमारे ऊपर पैरासाइट बैठे हुए हैं, इनको ख़त्म करना होगा। जैसे कि आप करेंगे वो आपको देखना है, हमने देखना है, इसको चेंज करना है, समाज को बदलना होगा हर हालत में।
ऐसा नहीं है। तो इन शब्दों के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ जय भीम, जय भारत।